आज मैं अपनी वीडियो बताऊंगा कि ये 12 वोल्ट डीसी फ़ैन होता है, ठीक है। 12 वोल्ट डीसी फ़ैन और 25 वाट के जो होते हैं सोलर पैनल के जो होते हैं, जो सोलर पैनल पर चलते हैं 12 वोल्ट डीसी से, उसके बारे में बता रहा हूँ। ये 12 वोल्ट का डीसी फ़ैन जो मैंने खोल रखा है, ठीक है, इसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें आपकी वायरिंग कैसे होती है और इसकी सर्किट क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो पहले मैं देखिए इसके सर्किट के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें सर्किट में ये आपकी जो रिले लगी होती है 12 वोल्ट की रिले लगी होती है, 7 एम्पीयर की रिले है, ठीक है। और इसमें एक आईसी लगी हुई है, 78 बार आईसी लगी हुई है जो कि 12 वोल्ट से ऑपरेट करती है। और ये कंडेंसर लगे हैं, ये फेफ लगा है। इसके साथ साथ मैं और एक और बता दूँ आपको, इसमें जो मॉसफेट लगे होते हैं, इसमें 4 मॉसफेट लगे होते हैं। देखो, एक मॉसफेट तो यहाँ लगा हुआ है इसमें, और एक मॉसफेट यहाँ लगा हुआ है, और एक मॉसफेट आपका यहाँ लगा हुआ है, और एक मॉसफेट इसके ये कंडेंसिंग नीचे है। इसमें 4 मॉसफेट लगे होते हैं, 4 मॉसफेट। और इसमें जो मॉसफेट भी जनरली मैं बता दूँ, इसमें आपको मॉसफेट जो 142 और 147 जो मॉसफेट यूज़ किए जाते हैं, और उनका पेयर बना दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें मॉसफेट ये लगे होते हैं। अब इनके मैं वाइंडिंग के बारे में बता रहा हूँ। ये देखिएगा कि इसमें वाइंडिंग का क्या होता है कि तीन तीन कॉयलों का जो इसमें सीरीज बना दी जाती है, यानी पेयर बना दिया जाता है। देखो, ये कॉयल यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ आई, एक कॉयल दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, यहाँ लगी। तो पहली वायरिंग का आपकी कनेक्शन यहाँ हुआ है और दूसरी वायरिंग का यहाँ हुआ, ठीक है, तीन हो गए। ऐसी इसके ये देखिएगा, ये दूसरी पहली शुरू हुई है और यहाँ लगाया गया है इसका कनेक्शन, और एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, ये तीसरा कनेक्शन यहाँ हो गया। ये 1 2 3 इसका सीरीज हो गई, यानी तीन कॉयल की सीरीज बना दी है। ऐसी इसकी है, इसकी वाइंडिंग आपकी ये आई है, 1 2 3 ये लगी है। इस तरह से तीन तीन कॉयलों के उनका पेयर बना के सीरीज बना दी जाती है। इनकी वाइंडिंग के बारे में बता दूँ, इस वायर में जो कुछ जो 21 नंबर से टर्न डाल देते हैं, कुछ 22 नंबर से, कुछ 23 नंबर से, पर इनके जो टर्न होते हैं वो अलग अलग होते हैं। 21 नंबर के टर्न अलग होंगे और 22 नंबर के टर्न अलग होते हैं, 23 नंबर के टर्न अलग होते हैं इसमें। तो इस प्रकार से इसमें जो 12 वोल्ट डीसी का सर्किट, ये सर्किट इस तरह होता है और इसकी कॉयलें इस तरह से होती है। ये मैंने आपको अंदर से ये दिखा दिया है, देखिए, ठीक है। और इसके सर्किट के बारे में मैं बता दूं, अगर आपको इसमें किसी की तरह का कोई फॉल्ट आता है या कोई आपकी कमी आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसमें अधिकांश, एक और मैं बता दूं कि इसके जो मॉसफेट होते हैं वो मॉसफेट तो बहुत ही कमी से ख़राब होते हैं। ये मॉसफेट तब ख़राब होते हैं कि जब हमने 12 वोल्ट की जगह एसी में अगर लगा दिया पंखा, तभी ये हमारे मॉसफेट ख़राब होंगे, नहीं मॉसफेट बहुत कम ख़राब होते हैं। ज़्यादा देर इसमें 12 वोल्ट की ये जो आईसी लगी हुई है आपकी, 78 बार आईसी या ये रिले, इन दो में ही ज़्यादा फॉल्ट आता है आपका, ठीक है। मॉसफेट बहुत कम ख़राब होते हैं। मॉसफेट आपके तभी ख़राब होंगे जब आपके क्या होंगे, जब आप इसे 12 वोल्ट की जगह एसी में लगा देंगे, यानी 220 वोल्ट एसी दे दें तभी ख़राब होंगे। जनरली ये दो ख़राब होते हैं, ठीक है। धन्यवाद।